सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो पे। तो आपके एक्वेरियम टैंक में फ़िल्टर मशीन तो ज़रूर होगा पानी को साफ़ करने के लिए। तो फ़िल्टर मशीन में मैल जम जाता है, तो वो हम उसे साफ़ कैसे करें वो प्रोसेस मैं आज आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने एक्वेरियम टैंक से अभी फ़िल्टर मशीन को निकाल लेता हूँ। ये मेरा नया एक्वेरियम टैंक है जो मैंने यहाँ पर अभी प्लांट किया है। मेरा एक और बीटा टैंक है, वो मैं अपने अगले वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आइए अब इसको ठीक से निकाल लेते हैं। पहले उसके पहले पूरा पानी गिर जाए, उसके बाद इसे हम साफ़ करेंगे। अभी पूरा साफ़ कैसे करते हैं, मशीन को खोलना कैसे, वो पूरा प्रोसेस अभी मैं दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो अभी आपको क्या करना है, पहले नीचे वाला जो पार्ट है वो हम खोल लेंगे, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर खोल लिया है। उसके बाद इसके नीचे जो ये वाला ढक्कन है इसे हम ठीक से खोलेंगे अभी। तो अब देखिए ऐसे खोल लिया मैंने। तो आप इसके अंदर से देखिए आप क्या आता है, इसके अंदर एक स्पॉन्ज है जिस पे सारे मैल आके अटक जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे पूरा काला पानी निकल रहा है इससे, काला ये जो समझ रहे हैं कि ये स्पॉन्ज का कलर है, तो ये स्पॉन्ज का कलर नहीं है, इसे सारे वेस्ट मटेरियल से जो इसमें अटक गया है। तो इसको हम अभी यहाँ पर बाल्टी में थोड़ा पानी लिया है मैं, तो इसको हम अभी इस पर धो लेंगे। तो आपको भी सेम करना है जो कर यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको भी अपने फ़िल्टर मशीन को ऐसे ही खोलना है और ऐसे ही साफ़ कर लेना है, ठीक से स्पॉन्ज को ठीक से साफ़ करना है, उसके बाद उसे फिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं यह पानी पूरा काला हो गया है, स्पॉन्ज में इतना मैल था, ये कलर नहीं है, ये वेस्ट मटेरियल्स है फिशेस के और टैंक्स में जो एल्गी सेल होते हैं वो सब है ये, जो फ़िल्टर मशीन में आके अटक गया है। तो देख सकते हैं इसे हम अभी पूरे मशीन के पार्ट्स को ठीक से साफ़ कर लेना है, क्योंकि इस पर भी वेस्ट है, तो इसे हम ठीक से साफ़ कर लेते। तो यह हो गया साफ़, अभी इनके कैप्स को भी साफ़ कर लेंगे ठीक से। तो अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये ऊपर वाला मशीन जिससे बबल्स निकलता है, इसके अंदर एक मोटर है, उस मोटर को ठीक से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके कैप को कैसे निकालें, इसके कैप को थोड़ा ज़ोर से खींचना है हमें, उसके बाद ये निकल जाएगा। तो आप देखिए कैसे करता हूँ, ये देखिए ऐसे पकड़ना है, खींचना है और ये निकल गया। तो इसके अंदर जो ये जिससे बबल्स निकलते हैं, ये पाइप कैसे खोलना है, आपको थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा फिर इसे खोलना पड़ेगा। तो पर देख रहे शायद ये जाम हो गया, थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा ठीक से, उसके बाद खोलना है, अभी खुल जाएगा। लगता है ये थोड़ा जाम हो गया, ये आ गया। तो ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जो है ये मोटर है, और आप देख सकते हैं इसके बगल में कितने सारे मैल जम गए। तो इस मोटर को अभी हम निकालेंगे, ये पिन निकल गया है इसका, आप देख सकते हैं। ये जो मोटर आप देख रहे हैं, इसके आगे का जो पार्ट है ये ग्रे वाला पार्ट, ये पूरा मैग्नेट है। तो इस मैग्नेट का साफ रहना बहुत ज़रूरी है, जैसे आप देख रहे हैं इससे काला पानी निकल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये पूरा साफ रहना चाहिए। इसके ऊपर क्या होता है कि एक वेस्ट का एक लेयर जम जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, उससे आपका मशीन फिल्टर करना, फिल्टर की जगह गंदा पानी निकलेगा। तो इसको आप ठीक से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद बाकी के जो मशीन्स के पार्ट्स है वो भी हमें ठीक से साफ़ कर लेना है, क्योंकि ये जो पार्ट अभी मैं साफ़ कर रहा हूँ इस पर भी बहुत मैल जमता है, हालांकि ये पर कम ही जमता है, ज़्यादातर स्पॉन्ज में और मोटर में जमता है। तो स्पॉन्ज मोटर को हमें ठीक से साफ़ कर लेना चाहिए, मोटर बहुत ज़रूरी है साफ।